हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश बुक का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हीरा एंड मोती। हीरा एंड मोती यहाँ पर नाउन है, तो चलिए इसके वार्मर को पढ़ेंगे। वार्मर में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द फ्लोइंग वर्ड पजल बॉक्स। ये जो नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं, यह वर्ड पजल बॉक्स है। इसमें कुछ एनिमल्स के नेम छिपे हुए हैं, इन्हें हमें फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर लीजिएगा। हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक रैबिट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गॉट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हॉर्स हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक डॉग हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक काऊ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक रैट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बुल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक फॉक्स हो गया। अब जो बचा हुआ है उसे आप खोज लीजिएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है हैव यू गॉट अ पेट, क्या आप कभी जानवर को पाले हैं? इफ यस, अगर हाँ, व्हाट डज इट डू व्हेन इट सीज यू, तो यह क्या करती है जब वह आपको देखती है। तो चलिए वार्मर को पढ़ने के बाद हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर लिव्ड अ फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वॉज जूरी, उसका नाम था जूरी। ही हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन, उसके पास दो बैल था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती, वह उसे हीरा और मोती के नाम से बुलाता था। ही लव्ड देम वेरी मच, वह उसे बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता था। द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड इच अदर, और बैल भी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर जूरी टू, और बैल अपने मास्टर जूरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन डे जूरीज ब्रदर इन लॉ कैम देयर, एक दिन झूरी की ब्रदर इन लॉ मीन्स झूरी का साला उसके घर पे आया। हिज नेम वॉज गाया, उसका नाम था गाया। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सन, और वह बैल के बारे में पूछने लगा। झूरी गैव हिम द ऑक्सन अनविलिंगली, और झूरी बिना अपनी इच्छा के ही उसे वह बैल दे दिया। किसे? अपने साला को। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, और हीरा मोती जो था बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। They did not want to go, वे जाना नहीं चाहते थे। But Gaya dragged them to his village, लेकिन गया उसे खींचते हुए अपने गांव तक ले गया। In the night, रात में क्या हुआ? They broke the rope and ran back, रात में वह उसके गया के घर से अपनी रस्सी को तोड़कर भाग गया। जूरी became very happy to see them, जूरी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। गया कैम अगेन टू टेक देम, और गया फिर से उसे उस बैल को लेने उसके घर पे आ गया। हीरा एंड मोती रेसिस्टेड, बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स, हीरा और मोती फिर से नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गया। ही पनिश्ड देम, और उसे वहाँ ले जाकर सजा भी दिया। दे हैड टू प्लफ द फील्ड फॉर लॉन्ग, they had to eat only husk and no oil cakes, they were very sad and angry, और वे दोनों बैल जो थे उन्हें बहुत लंबी समय तक खेत जोतने में लगाया जाता था, और उसे खाने में सिर्फ भूसा दिया जाता था। ऑयल केक मीन्स खल्ली होता है, यह नहीं दिया जाता था। दे वर वेरी सैड एंड एंग्री, इससे क्या हो गया? दोनों हीरा और मोती बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और उदास हो गए। गया हैड अ लिटिल डाउटर, गया की एक छोटी सी बेटी है। सी लव्ड हीरा एंड मोती, वह हीरा और मोती को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी गैव देम ब्रेड टू ईट, वह उसे खाने के लिए रोटी देती थी। सी फेल्ट देयर सोरो, वह छोटी सी बच्ची उसके दुखों को समझती थी। वन नाइट सी अनटाइड देयर रोप्स, एक दिन वह बच्ची उस हीरा और मोती के रस्सी को खोल दिया। हीरा एंड मोती रैन अवे, और हीरा मोती वहाँ से भाग गए। दे वर वेरी हंगरी, वे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। बोथ एंटर्ड अ फील्ड ऑफ पीज, दोनों एक मटर के खेत में घुस गए। बट दे वर पुश्ड आउट ऑन द रोड, लेकिन उन्हें फिर से खेतों से भगा दिया गया। दे मेट अ बिग एंग्री बुल, और वे दोनों क्या हुए? एक बहुत ही बड़ा भैंस से, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेला भैंस से मिल गए। ही अटैक्ट देम, और वह भैंस उस पर अटैक कर दिया हीरा मोती पर। दे फाउट विथ हिम ब्रेवली एंड वॉन, और हीरा मोती दोनों मिलकर उस भैंस से लड़े और जीते भी। बट लेकिन देयर मिजरी डिड नॉट एंड विथ दिस, लेकिन उनकी जो दुख थी वह यहीं समाप्त नहीं हुई। दे वर कैप्ट इन ए काइन हाउस, और उन दोनों बैल को काइन हाउस में रखा गया। मोती ट्राइड
टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे। मोती ने वहाँ से उस दीवार को तोड़कर भाग जाने की कोशिश किया, बट द मास्टर ऑफ द काइन हाउस कॉट देम अगेन। लेकिन उस काइन हाउस का जो मास्टर था वो उसे फिर से पकड़ के रख लिया। ही सोल्ड देम टू अ बूचर। द बूचर बिगन टू टेक देम टू हिज हाउस। बोथ ऑफ द ऑक्सन वर वेरी सैड। अब वे क्या किए, जो काइन मास्टर के मालिक थे वे उन दोनों हीरा मोती को एक बूचर कसाई के पास बेच दिए। द बूचर बिगन टू टेक देम टू हिज हाउस, और वह बूचर उसे अपने घर ले जाना चाहा। बोथ ऑफ द ऑक्सन वर वेरी सैड, दोनों ही बैल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। दे रैन फास्ट एंड रैच्ड जूरीज हाउस, और वे दोनों बैल वहाँ से दुखी होकर खूब तेजी में भागे और जूरी के घर पहुँच गए। द बूचर रैन आफ्टर देम, बूचर भी उन दोनों बैल के पीछे भागने लगा। जूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल एंड गो अवे। जूरी और उसके गाँव के ही लोग उस बूचर से कहने लगे कि कोई समस्या खड़ा नहीं करे और चुपचाप यहाँ से चले जाए। सो द बूचर रिटर्न्ड, इसलिए वो जो बूचर था वह वहाँ से वापस चला गया। नाउ जूरी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक। अब जूरी जो था हीरा मोती को अपने घर पे पुनः देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही बिगन टू पैट देयर बैक्स, और वह अपने जानवरों को फिर से खाना खिलाना शुरू कर दिया। हिज वाइफ ऑल्सो कैम देयर, उसकी पत्नी भी वहाँ आई। सी किस्ड हीरा एंड मोती ऑन देयर फॉरहेड्स, और वह हीरा और मोती को फॉरहेड पे लीलाट पे किस की। बस चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है।